अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मोग्राम चैनल के साथ मैं हूं वसीम। आज एक और मोटिवेशनल और इसको सक्सेस स्टोरी भी कह सकते हैं, इसके साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। एक ऐसे नौजवान की स्टोरी है जो एक यूनिक किस्म का बिजनेस जिसने स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो लोग कीड़े मकोड़ों का नाम सुनते हैं तो कराहत होती है, ये क्या चीज़ है। जब भी किसी को गंदा कहना हो, कुछ कहना हो तो कीड़ा कह दिया जाता है। लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता था कि इन कीड़ों से हम लाखों रुपये भी कमा सकते हैं। ये मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इन्होंने कीड़ों से कारोबार शुरू किया। इनसे जानते हैं इनकी कहानी। अरबाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि ये जो था कीड़े पालना, जिसको मील वॉर्म कहते हैं, तो ये शौक कैसे पैदा हुआ आपके? मतलब क्या कहीं किसी को देखा था? बिल्कुल सर, कराची में और ऑल ओवर पाकिस्तान में जिस तरह से बढ़ती हुई हमारे एनिमल्स पेट्स लोग पाल रहे हैं, स्कॉर्पियन लाइक स्कॉर्पियन हो गए और फिंचेस बर्ड्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस चीज़ की नीड थी मील वॉर्म की। तो फिर ऑल ओवर पाकिस्तान मैंने खुद भी सर्च किया, तलाश किया, कहीं पे भी ये मौजूद नहीं था। तो फिर मैंने इसकी फार्मिंग शुरू करने का सोचा, फिर मैंने इसे लिया, फिर मैंने इसका फार्मिंग स्टार्ट की। मतलब ये ऐसा शौक है जो पाकिस्तान में पहले उस तरीके से नहीं इसको किया जाता। तो घर में जब ये सबसे पहले डिस्कस किया होगा कि भाई मैंने ये करना है, तो क्या मतलब रिएक्शन आया कि ये क्या है? उस वक्त तक तो घर वाले का रिएक्शन थोड़ा सा ख़राब ही था कि ये क्या सोच रहे हैं ऐसा वैसा। जब मैंने स्टार्ट किया और फिर मैंने इसके बारे में लोगों को बताया, तो फिर लोग को मैंने देखा, लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और लोग मुझसे फिर परचेस करना शुरू हो गए। फिर मैंने इसकी फार्मिंग बढ़ाई, फिर मैंने स्टार्ट की, फिर मैंने पूरा सेटअप लगाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी चीज़ मुझे इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। तो ये कितने पीसेस से जो है आपने स्टार्ट किया था? ये मैंने ये स्टार्ट किया था 1000 पीसेस लार्वा से, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर प्यूपा में कन्वर्ट हुए, फिर वो बीटल्स में कन्वर्ट हुए। बीटल्स में कन्वर्ट के होने के बाद इसकी एक फीमेल जो है वो 400-500 तक के एग हैच करती है, अंडे देती है। तो सब जो है वो उनकी अफजाइश वैसे ही हो जाती है या उनकी डेड हो जाती है दरमियान? नहीं, ये बहुत डीट जिसे कहते हैं ना, ये वो चीज़ है। तो इसकी डेड के तो बहुत कम ही चांसेस होते हैं, बस अगर आप टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं तो इसकी डेड बिल्कुल भी नहीं होती। ये कमरे में जो है आपने एक अपने लिविंग रूम में इसको रखा हुआ है, बिल्कुल। ये कीड़े वगैरह जैसे घर में कॉकरोचेस से जो है नफरत होती है लोगों को, बिल्कुल, ये निकल के बाहर नहीं आ जाते? दरअसल ये रहते ही वीट ब्रांड में, ये बिल्कुल बाहर नहीं आते हैं। आप जिस बॉक्स में रखेंगे ये उसी बॉक्स में रहेंगे, ना ये फिलाई करते हैं ना ही इस बॉक्स से बाहर आते हैं। मतलब शरीफ हैं, बिल्कुल बिल्कुल शरीफ। पहले मुझे दिखाएं कि इसका पहला स्टेज क्या होता है, कैसे ये? सबसे पहले ये एग होते हैं, एग के बाद इसके सेकंड स्टेज जो होता है वो ये लार्वा होता है। लार्वा होता है, ठीक। जो सेल करते हैं आप, ये करते हैं? बिल्कुल, ये सेल जो है बेसिकली खाने के लिए बर्ड्स के लिए, वो ये होता है। ये होता है, इसके अलावा हमारे गोरे जो है वो इसे खा रहे भी, अपने पिज्जाज वगैरह में फास्ट फूड में इसे यूज कर रहे हैं। अरे भाई देखो, खाने की चीज़ है ये, गोरे खा रहे हैं इसको। इसकी जो है एज क्या होगी अभी इस वक्त? देखें ये जो है 2 मंथ है, ठीक है, 2 मंथ के ये तकरीबन ये सारे हैं। अभी ये आहिस्ता आहिस्ता प्यूपा में कन्वर्ट हो रहे हैं बहुत सारे, उसके बाद प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद ये 9 to 12 days ये प्यूपा में कन्वर्ट होने के बाद उनसे ये बीटल्स बाहर आते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो ये आपने जिसमें रखा हुआ है क्या चीज़ है? ये वीट ब्रान है चोकर, जो आराम से 70-80 रुपये के जी आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर फ्रूट्स पड़े हुए हैं, एप्पल वगैरह हैं, तो ये किस पर्पज़ के लिए होता है? ये दरअसल इसकी वाटर सोर्स पूरा करने के लिए होता है। हम इसे एप्पल भी दे सकते हैं, गाजर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अमरूद, लाइक अमरूद हो गए, ये इन सब इससे ये वाटर सोर्स पूरी करता है। ये इसका सेकेंड स्टेज था, एग के बाद लार्वा में आया था। अब इसके बाद देखते हैं, लार्वा के बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है। ये जो आपको बेजान बेजान से ये दिख रहे हैं ना, ये सारे लाइव हैं, लेकिन ये बहुत ढीठ ढीठ हड्डी का बना हुआ जिसको कहते हैं ना, वैसे ही है। बिल्कुल लगता है कि मर गया लेकिन जिंदा होता है। जिंदा होता है, उसके अंदर से ये जो वाइट वाइट बीटल्स निकल रहे हैं, ये अभी के निकले वाइट बीटल्स के बाद फिर ये ब्राउनिश होंगे, फिर ये ब्लैक होकर ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं 5 days में। अच्छा, इसकी टोटल एज लाइफ जो होती है वो कितनी होती है? टोटल इसकी लार्वा की पूरे वॉर्म की टोटल होती है 5 to 6 months होती। जो नहीं बिका, किसी के पेट में नहीं गया, तो वो बड़ा होकर ब्रीडिंग करके मर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसकी एज टोटल कितनी होती है? टोटल एज होगा 5 to 6 months। 5 to 6 months। अच्छा, ये हो गया, ये इसका थर्ड स्टेज हो गया, प्यूपा में कन्वर्ट हो गए। इसके बाद जो ब्रीडिंग स्टार्ट होती है इनकी, तो उसके बाद ये इस शेप में आ जाते हैं। ये देख सकते हैं ये बीटल्स हैं और ये ब्रीडिंग सेक्शन में है, ये सारे आपस में मीटअप करते हैं और फिर ये एग हैच करते हैं।
अच्छा बाबा मुझे बताएं, ये जैसे आपने इसको कवर अप करके रखा हुआ है, बिल्कुल, तो ये इसकी क्या वजह है, ये सारे नीचे छुप रहे हैं? बेसिकली इससे कहते ही हम डार्कलिंग बीटल्स हैं। डार्कलिंग बीटल्स का मतलब ही ये है कि डार्कनेस को पसंद करते हैं, इसलिए हम अंडे के ये क्रेट वगैरह लगाए हुए ताकि ये अंदर छुप के आपस में मीटअप। तो यही एक वजह है कि ये ज्यादा बाहर आना पसंद नहीं करते, अंदर ही अंदर छुपे रहते हैं, क्योंकि रोशनी से भागेंगे। बिल्कुल, रोशनी से घबराते हैं और ये चोकर के अंदर ये आपके सामने छुपने स्टार्ट हो गए ये सारे के सारे। अच्छा बाबा मुझे बताएं कि ये जो कारोबार करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो वो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं? ये सर, ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आप कितने से स्टार्ट करना है। आपका मिनिमम जो है 100 पीस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वैसे मैं अगर रेकमेंड करता हूँ तो 1000 पीस करता हूँ, क्योंकि वो आगे चल के एक अच्छी आपको ग्रोथ, मतलब अभी तक आपसे जिसने खरीदा कारोबार के लिए सक्सेसफुल रहे या कुछ सर अनाड़ी थे? आज से 6 महीने पहले जिन लोगों ने परचेस किया था और इसकी वो उनकी अब अर्निंग स्टार्ट हो गया, वो मुझसे पूछ रहे कि आगे इसे डिलीवर कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस। अच्छा, तो मतलब आपके पास ऑर्डर्स जो हैं वो कैसे आते हैं? सबसे पहले मुझे बताएं कि आपका कोई फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम हैंडल? बिल्कुल, अगर आप हमारे से व्हाट्सअप में रब्ता करते हैं तो फिर हम अपने चैनल वगैरह का, यूट्यूब चैनल और फेसबुक वगैरह का लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से कम्प्लीट गाइड प्रोवाइड। आपका नंबर क्या है जिससे लोग आपसे कॉन्टेक्ट? मेरा व्हाट्सअप नंबर है 03410201130। सही है। तो अरबाब मुझे बताएं कि आप इसके अलावा जो है वो लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक टाइम देने वाला तो है, ऐसे नहीं है कि खुद पल रहे हैं, खुद बड़े हो रहे हैं, इसको भी टाइम देना पड़ता है। आप पढ़ क्या रहे हैं? बिल्कुल, इसके अलावा मैं बीकॉम कर रहा हूँ। अच्छा, वैसे आपका इसके अलावा भी आपने बताया जैसे फोटोग्राफी वगैरह का, वीडियोग्राफी का भी शौक है। बिल्कुल, तो ये 3-4 काम एक साथ करना, तो ये नाराज तो नहीं हुआ था यार? नहीं, इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है, इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे ही एलईडी से रख के जाएँ, बस इसे वाटर सोर्स के लिए दे दें चीज़ें और ये आपस में ही आप सारी चीज़ें कर। सही है। अच्छा मुझे बताएं, ये जब आपने कीड़े, जिसको कीड़े मकोड़े लोग कह देते हैं, तो आपको बुरा लगता होगा, दोस्त वगैरह मजाक उड़ाते होंगे, अभी यार कीड़े मकोड़े पालता है? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है जो इस चीज़ से दिल। जिसने घर में डॉग पाला होता है उसका नाम होता है, उसका अलग से नाम रख देते हैं, लेकिन आम तो लोग यही कहते हैं ना, कुत्ता पाला हुआ, तो आपको बुरा लगता है? नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, जो इस चीज़ से रिलेटेड होगा, जिसको पालेगा फिर उसके इसकी परवरिश करेगा यानी फार्मिंग करेगा, उसको फायदा होगा, तो फिर उसे सब कुछ अच्छा ही लगेगा। क्योंकि जब ये बेसिकली कीड़े नहीं है, ये पैसे हैं, बिल्कुल इनसे डॉलर्स बनेंगे, आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप सब चीज़ें देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक यूनिक किस्म का जो कॉन्सेप्ट है अरबाब ये लेकर आए हैं, इनकी फैमिली ने इसका साथ दिया, क्योंकि एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, किसी आम तौर पर अगर किसी से डिस्कस ये किया जाता है तो समझते नहीं यार ये पता नहीं क्या किस चक्करों में पड़ गया है, कौन से किस्म के कॉन्सेप्ट लेकर आ गया है, पता नहीं पैसे डुबा देगा या किस चक्करों में आ गया है, लेकिन एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जिससे अब ये माशाल्लाह लाखों रुपए कमाने लग गया है। तो ऐसे कारोबार जो यूनिक किस्म के होते हैं वो सब देखने के लिए आप इल्मोग्राम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।